So good morning and welcome to this Zoom meeting, and I welcome Dr. Sandeep Ansutre, and I request him to kindly enlighten us with what is meant by mineral and what are the various physical properties of minerals. Dr. Ansutre, please. Thank you, Dr. Deshmukh, and viewers. As far as the mineral is concerned, Dr. Deshmukh, may I make it bilingual? Yes, it will be wonderful, because many of our students understand Hindi better than English. So mineral, जिसको हिंदी में खनिज भी कहा जाता है, यह भूविज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम खनिजों का अध्ययन करते हैं, जिसे मिनरोलॉजी कहा जाता है, खनिज विज्ञान कहा जाता है। मिनरल की अगर हम परिभाषा देखें या किसी भी वस्तु की हम अगर परिभाषा देखें, तो छात्रों को परिभाषा जब वो बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं या ग्रेजुएशन के क्लासेस में या पीजी के क्लासेस में भी जब वो देखते हैं, तो उनको एक रटने की आदत होती है कि परिभाषा को रट ले। लेकिन जहां तक सबसे बेहतर ये बात है कि आपको हमको किसी भी चीज को रटना नहीं, यदि हम समझ ले तो हम उस चीज को अच्छे से आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। तो मिनरल को यदि हमको समझना है और हमको उसको ध्यान में रखना है, तो हमको उसकी कंडीशंस, मिनरल क्या है, तो मैं उसकी एक एक कंडीशन कहते जाता हूँ। मिनरल इज अ नेचुरल, आप ध्यान में रखिए कि इट शुड बी अ नेचुरल, मतलब नैसर्गिक होना चाहिए, नेचुरल, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, सॉलिड ठोस होना चाहिए। मिनरल इज अ नेचुरल इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है या रासायनिक संगठन है वो निश्चित होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई भी मिनरल है, आप स्फटिक लेंगे, क्वार्ट्ज जिसको हम कहते हैं, जियोलॉजी के विद्यार्थी इससे वाकिफ होंगे। क्वार्ट्ज, इसका केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन SiO2 है, चाहे वो जापान में पाया जाए, चाहे वो अमेरिका में पाया जाए, चाहे वो भारत में पाया जाए। सर, तो उसका केमिकल अच्छा लगेगा अगर आप क्वार्ट्ज दिखा भी सके, अगर हम लोगों को साथ ही साथ। हाँ, ये देखिए, मैं आप इसको यहाँ पे क्वार्ट्ज देख रहे हैं, ये परफेक्ट क्वार्ट्ज का हेक्सागोनल क्रिस्टल है। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, ये SiO2 है, निश्चित है। जहां भी क्वार्ट्ज मिलेगा उसका केमिकल कंपोजिशन SiO2 ही होगा। इसको हम स्फटिक भी कहते हैं, और भारत में इसको स्फटिक की माला के रूप में भी उपयोग में किया जाता है, वो अपन चर्चा किसी दूसरे वीडियो में उसकी कर सकते हैं। तो मैं जो आपके परिभाषा की बात कर रहा था कि इट इज अ नेचुरल इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी जो आंतरिक आणविक संरचना है वो भी निश्चित होनी चाहिए। अब जैसे ग्लास होता है, कांच, उसकी कोई आणविक संरचना नहीं होती, इसलिए हम उसको एमॉर्फस कहते हैं। ए मींस नो, मॉर्फस मतलब उसकी कोई संरचना नहीं है, मॉर्फोलॉजी से मॉर्फस बना है जी। तो एमॉर्फस कहते हैं, तो उसकी आंतरिक आणविक संरचना भी निश्चित होती है। मिनरल इज अ नेचुरल इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर विथ और विदाउट डेवलपमेंट ऑफ आउटर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो कभी कभी उसका जो आउटर क्रिस्टलाइन फॉर्म है, बाह्य आकृति है, बाह्य क्रिस्टलीय आकृति है, वो विकसित भी होती है और विकसित नहीं भी हो सकती है। वो इस परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि उस किस कंडीशन में वो बना है, किन परिस्थितियों में वो बना है। जहां पे जैसे इसने अभी आपने क्वार्ट्ज को देखा, इसमें बाह्य आकृति, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, तो इसमें बाह्य आकृति विकसित हुई है। जरूरी नहीं कि अगर किसी किसी स्फटिक में बाह्य आकृति विकसित नहीं होगी तो वो स्फटिक नहीं होगा। तो छात्रों के लिए उचित होगा कि ये 5 कंडीशन ध्यान रखें, नेचुरल इनऑर्गेनिक सॉलिड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आउटर क्रिस्टलाइन डेवलप। खनिज के बारे में हमने ये जाना, अगर सारांश स्वरूप में कहा जाए कि खनिज की परिभाषा की बात आती है जब भी, तो खनिज उस वस्तु को कहेंगे जो ये 5 क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेगा, या जिसमें ये 5 विशेषताएं होंगी। पहली तो नेचुरली ऑकरिंग हो, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो। दूसरी चीज, वो ठोस पदार्थ हो। तीसरी चीज, उसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो। चौथी चीज, वो एक इनऑर्गेनिक प्रोसेस से या अकार्बनिक प्रक्रम से बना हुआ हो। और पांचवी चीज, उसमें उसकी एक निश्चित आंतरिक परमाणु संरचना हो, यानी इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी सर जी,
तो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं कि खनिज क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है। सर, खनिजों के भौतिक गुणों के बारे में कृपया हमको कुछ बताइए प्लीज, कुछ गाइड कीजिए। अब खनिज को जैसे पहचानने का जब सवाल आता है, तो अभी हम खनिजों को पहचानने के बहुत सी विधियां है। जैसे आप उसको भौतिक गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं, उसको एक पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम ध्रुवित प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कहते हैं हिंदी में, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, उसमें उसके थिन सेक्शन बना के भी उसको पहचाना जा सकता है, और नॉन मेटेलिक कार्बनिक अधात्विक खनिजों को, और उसको केमिकल टेस्टिंग से भी पहचाना जा सकता है। लेकिन हम छात्रों को इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती दौर में, सबसे पहले खनिज को आपको भौतिक गुणों के आधार पर आप कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में यदि हम चर्चा करें, तो हम उन भौतिक गुणों को, मैं यदि आपकी इजाजत हो तो उन भौतिक गुणों को एक के बाद एक उसको यहाँ पे उद्धृत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला भौतिक गुण है कलर, या उसको हिंदी में हम कहेंगे रंग। दूसरा भौतिक गुण है लश्चर, या जिसको हम कहेंगे चमक, तो उसको चमक के आधार के भी पहचाना जा सकता है। स्ट्रिक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ण रेखा, जब हम इस पे आएंगे तो हम उसको विस्तृत में चर्चा करेंगे, अभी तो केवल मैं इनुमरेट कर रहा हूँ। तो वर्ण रेखा के आधार पे भी पहचाना जा सकता है। उसके बाद में भौतिक गुण है क्लीवेज, या जिसको विदलन कहा जाता है, उसको विदलन या क्लीवेज के आधार पे भी पहचाना जा सकता है। फ्रैक्चर के आधार पे पहचाना जा सकता है, मतलब विभंग, हार्डनेस मतलब कठोरता, अपेक्षित घनत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी फॉर्म और हैबिट, उसकी आकृति, उसके आधार पे भी पहचाना जा सकता है। और इन भौतिक गुणों के आधार पे खनिज को पहचाने जाने के बाद छात्रों को या किसी भी भूवैज्ञानिक को जब वो अपनी डायरी में उसको लिख रहा है, तो उसे ये लिखना चाहिए, मैं एक चीज, एक छोटी सी बात ध्यान में लाना चाहता हूँ। हालांकि आप भी डॉक्टर देशमुख, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आज के संचार क्रांति के युग में हर विषय पे बहुत सा अध्ययन मटेरियल यत्र तत्र बिखरा हुआ पड़ा है, परंतु यह एक कोशिश, इसमें कोई विशेष बात है ऐसा बिल्कुल भी कोई दावा नहीं है। ये एक वो जो कहते हैं कि गिलहरी की रेत की कोशिश है, तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात, उस पूरे महासागर में एक गिलहरी की रेत वाला एक सहयोग की बात है, तो एक छोटी सी बात मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अक्सर छात्र जो गलती करते हैं कि इन गुणों को लिखने के बाद फिर वो क्रिस्टल सिस्टम और उसका रासायनिक संगठन भी लिखते हैं, तो मेरे विचार से कि क्रिस्टल सिस्टम आप प्रयोगशाला में पहचानते नहीं है, रासायनिक संगठन भी आप प्रयोगशाला में पहचानते नहीं है, तो आपकी प्रायोगिक कक्षा की कॉपी में आपको ये लिखा जाना है, आपको ये लिखना, हमको ये लिखना चाहिए कि इन गुणों पर दिया गया, इन गुणों के आधार पर दिया गया खनिज यह हो सकता है या यह है। जैसे मान लीजिए मैंने इन गुणों के आधार पर इस स्फटिक को पहचाना, या मैंने इस चालकोपाराइट को पहचाना, तो मैंने ये मुझे लिखना चाहिए, किसी भी छात्र को लिखना चाहिए कि इन गुणों के आधार पर यह खनिज यह हो सकता है या है, और चूंकि यह खनिज स्फटिक है अतः इसका रासायनिक संगठन जो है वो SiO2 है। SiO2 हमने पहचाना तो नहीं है लैब प्रयोगशाला में, और चूंकि यह स्फटिक है अतः यह हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, ये जानकारी हमको अपने अध्ययन के आधार पर वहां पे लिखी जानी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि जो चीजें पहचानी जाती है उसको पहचानी जाने वाली खाने में हम लिखें, और जो चीजें हम अपनी जानकारी के आधार पे उस जानकारी के आधार पे। इसके बाद एक विशेष और गुणों की मैं चर्चा करना चाहूंगा कि इन गुणों के आधार पे पहचाने जाने के बाद डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी। तो डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी मतलब किसी किसी खनिज में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इन्हीं प्रॉपर्टीज में होगी लेकिन वो उसी खनिज में पाई जाएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे जब इस बिंदु पे अपन आएंगे। और विशिष्ट प्रॉपर्टी या स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब वो इन प्रॉपर्टीज में नहीं है लेकिन उस खनिज में पाई जाती है। जैसे हमने जो प्रॉपर्टी की चर्चा सर यहाँ पे की है, इसमें हमने फील या ऑर्डर, उसकी जो गंध है, उसकी चर्चा नहीं की है। अभी आप सल्फर का उदाहरण यदि देंगे, जो देखेंगे हम, तो सल्फर जो है
वो उसका एक विशेष गंध होता है लहसुन जैसा। या आपने हमने टाल्क का उदाहरण हमने देखा होगा, टाल्क हमने देखा हुआ है, टाल्क को हम जब हाथ में लेते हैं तो वो सोपी फीलिंग मतलब साबुन जैसा एक फीलिंग देता है। तो ये 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 प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज में नहीं दी गई है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। और इसके ऊपर मैं अपने डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी बताई है, तो इस आधार पे ये प्रॉपर्टी जिनके आधार पे खनिज को पहचाना जाता है, पहचाना जा सकता है। जी सर, तो सर क्या हम लोग कुछ एक या दो गुणों के बारे में जान सकेंगे आपसे, थोड़ा सा विस्तार से अगर आप उनके बारे में बताएं। देखिए सबसे पहले अपन हम अपन चाहते कि हम उसके कलर जो सब उसका प्राथमिक गुण है कलर से पहचान शुरू करे जी। कलर या उसको हिंदी में अपन रंग कहे, तो डॉक्टर साहब जैसे आपको भी ज्ञात है कि किसी भी वस्तु का जो रंग होता है वो उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित विव्योर जो सब श्वेत प्रकाश का रंग है, सात भागों में उसको बांटा जाता है, बांटा गया है, सात भागों से मिलके बना होता है, उसमें से वो पर्टिकुलर रंग जो उत्सर्जित करता है और बाकी रंगों के बाकी अवयवों को शोषित कर लेता है। तो जो उत्सर्जित करता है वही रंग हम और उत्सर्जित करने के बाद हमारे आंखों में आता है तो वही रंग हमको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये लाल रंग है आप देख रहे हैं, तो ये लाल इसलिए दिख रहा है कि ये लाल इसमें से विव्योर में से केवल लाल किरणों को ये उत्सर्जित कर रहा है और हमारी आंखों तक लाल किरणें आ रही है, बाकी कोई अवशेष कर। यही सिद्धांत खनिज में भी लागू होता है जब हम खनिज को पहचानते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, रंग के आधार पर यदि हम खनिजों को देखें तो हम अगर थोड़ी सी गहराई में जाना चाहे तो खनिजों को हम रंगों के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है एलो क्रोमेटिक मिनरल्स, एलो क्रोमेटिक, एलो का मतलब यहाँ पे क्रोमेटिक का मतलब होता है जहाँ रंग से कलर हम वाबिस्ता होते हैं, जहाँ कलर आता है वो क्रोमेटिक है। ये छात्र लोग ध्यान में रखें कि क्रोमेटिक जहाँ आएगा मतलब वो रंग से बात कर, रंग की बात हो रही है। तो एलो मीन्स दूसरे के कारण, वो उसमें जो रंग है वो अपने रंग के कारण नहीं है, वो किसी फॉरेन मटेरियल के कारण है। जैसे मैं उसको आप उदाहरण का रंग नहीं है कुछ, हाँ उसमें जो उसके अंदर या आयन उसके अंदर है उसकी वजह से है, उसके वजह से है। जैसे सर आप ये देख सकते हैं, इम्प्यूरिटी भी हम उसको कहते हैं कई बार। ये आप एक लाल मिनरल यहाँ छोटा सा देख रहे हैं, तो यह जो है कोरंडम मिनरल है जिसको जो रूबी भी जिसे कहा जाता है, जब ये रत्न के स्तर का होता है तो इसको रूबी कहते हैं। तो इसमें जो लाल रंग है शायद आपका जो पीएचडी के लिए जो स्टडी एरिया था भोपालपट्टनम शायद उस एरिया का है। हाँ, ये आप बहुत अच्छा पहचान है। ये वहाँ भोपालपट्टनम बस्तर के एरिया का सैंपल है जहाँ से पीएचडी के लिए हमने सैंपल इकट्ठे किए थे उस समय जी। तो इसमें जो लाल रंग है सर ये क्रोमियम के कारण है, क्रोमियम ट्रेसेस में इसमें होता है जी। तो इसका जो मूल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3। लेकिन लाल रंग के कारण लाल रंग जो है वो क्रोमियम की उपस्थिति के कारण है, जो क्रोमियम इसमें इम्प्यूरिटी के रूप में पाया जाता है। तो ये एलोक्रोमेटिक मिनरल हुआ क्योंकि इसमें रंग जो है अपने खुद के कारण नहीं है, किसी दूसरे के कारण है। तो अब ये देखिए प्रकृति का सुंदर कितना खेल है कि यही क्रोमियम इसमें लाल रंग देता है, और यही क्रोमियम यदि आप पन्ना या जिसको हम बेरिल कहते हैं उस बेरिल में यदि हम चले जाए, हम बेरिल को यदि देखें तो उसमें यह क्रोमियम हरा रंग देता है, Be3Al2 में रासायनिक संगठन आपको फिर से बेरिलियम एल्युमिनियम सिलिकेट है, बेरिलियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, वेरी गुड। तो बेरिलियम एल्युमिनियम ऑक्साइड में वो जो हरा रंग है वो क्रोमियम की इंप्यूरिटी के कारण है। तो एक जगह यहाँ उसने हरा रंग दिया लेकिन इसमें लाल रंग, तो ये एलोक्रोमेटिक मिनरल हुआ। लेकिन यदि हम इडियोक्रोमेटिक देखें, यहाँ इडियो शब्द का मतलब ही सेल्फ होता है, सेल्फ क्रोमेटिक रंग। तो यदि आप एक ये खनिज देख पा रहे हैं, यह एज्यूराइट है, एक खनिजों का समूह है, एक्चुअली एक अकेला खनिज नहीं है। तो इसमें जो नीला रंग है वो इसके खुद के कारण है, इसके खुद के वैसे ही एक सिनेबार मिनरल का नाम। तो ये एज्यूराइट में जो खुद का रंग है ये कॉपर आयन्स के कारण है क्या सर?
कॉपर आयंस के कारण है जी, के अंदर कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड जी जी, बहुत अच्छा बेहतर जी, कॉपर आयंस की वजह से ये खुद का कलर, वो खुद का कलर है। तो इसमें यहाँ पे एक मैं छोटा सा विषयांतर न हो तो एक तो दो सेकंड की एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि पहले भित्ति चित्रों पर कुछ पेंटिंग आदि मानव किया करते थे जी जी। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि उन आदि मानव में वो जो रंग वो लोग उसमें यूज करते थे, उसमें उपयोग में लाते थे, वो रंग जो होते थे वो उन खनिजों से बनाए जाते थे जिसमें उन खनिजों का खुद का रंग है। उन्होंने जियोलॉजी नहीं पढ़ी होगी उस समय इस फॉर्म में, लेकिन उनको अपने अनुभव के आधार पर ये एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसमें जो ये पेंटिंग बनी हुई है इसमें खनिजों के रंग यूज किए गए हैं, और यह खनिज वही खनिज रंग परमानेंट हो सकते हैं जिसका अपने खुद के कारण रंग है। मतलब देखिए अपनी जो प्राचीन सभ्यता थी उनका अपना ज्ञान कितना समृद्ध था, वो वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक ज्ञान उनका इतना समृद्ध था। बिल्कुल बिल्कुल सच है। और कि कौन सा खनिज इडियोक्रोमेटिक है और कौन सा एलोक्रोमेटिक है। वैसे ही फ्रैक्चर पे जब अपन आएंगे फ्रैक्चर पे जी। तो फ्रैक्चर में भी अपन देखेंगे, आपने देखा होगा कि जितने भी आदि मानव हथियार पाए गए हैं जो वो शिकार के लिए उपयोग में लाते थे जी जी। तो एक खनिज होता है डॉक्टर साहब, आपने उसका नाम सुना होगा, फ्लिंट या चर्ट जी, ये क्रिस्टलाइन सिलिका की वैरायटी होती है। तो इसका फ्रैक्चर जो है विभंग परफेक्ट कॉनकॉइडल होता है, मतलब धारदार होता है। तो जितने हथियार पाए गए हैं उसमें से अधिकतर हथियार इस फ्लिंट या चर्ट के पाए गए हैं। तो अब उनको कैसे पता था कि इसका जो हथियार सबसे अच्छा बनेगा या इसकी धार बहुत अच्छी बनेगी और इसकी हार्डनेस ज्यादा है। तो ये अनुभव के आधार पे ये ऐसी ही सभ्यता विकसित होती है और ऐसा ही ज्ञान संगठित होता है, संग्रहित होता है। तो सर इस बात को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जो चीज आपने रंग या वर्ण या कलर के बारे में बताई, जो चीज सारांश स्वरूप में अगर हम कहें तो किसी भी खनिज का रंग एक और इसमें मैं छोटी सी चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक ये खनिज यहाँ आप देख रहे हैं जी जी। इसमें आप ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसको कहा जाता है प्ले ऑफ कलर्स, प्ले ऑफ कलर्स। तो ये एलोक्रोमेटिक और इडियोक्रोमेटिक के अलावा कुछ खनिज उस समूह में आते हैं जिसको हम कहते हैं स्यूडोक्रोमेटिक। स्यूडो मतलब झूठा और क्रोमेटिक मतलब कलर, तो झूठा कलर। अब ये झूठा कलर क्यों है जी? ये झूठा कलर क्यों है? हेलो, हाँ हाँ जी 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 सर। ये झूठा कलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कलर ना तो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कारण है ना किसी फॉरेन एलिमेंट के कारण है जी जी। लेकिन प्रकाश के उस मटेरियल के साथ प्रकाश किरणों के क्रिया के कारण ये कलर मिल रहा है। तो ये जो खनिज है ये लेब्रोडोराइट, एक फेल्सपार की वैरायटी होती है जी जी। लेब्रोडोराइट है और इसमें जो कलर पाया जा रहा है ये स्यूडोक्रोमेटिक है। ये उस प्रकाश के किरणों के कारण है, ये अपने खुद के मिनरल के कारण नहीं है। तो सर आपको ये इतनी अद्भुत जानकारियां और इतने सुंदर स्पेसिमेन दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने खनिजों के बारे में, उनकी भौतिक गुणों में से विशेषकर रंग के बारे में इतनी जानकारी हम लोगों को दी। इस श्रृंखला को हम लोग जारी रखेंगे। अभी इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।